हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज की हमारी ट्रेन जानकारी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की है। यह ट्रेन भटिंडा जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन के बीच चलती है, जिसका ट्रेन नंबर 12556 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यह ट्रेन भटिंडा जंक्शन से रोजाना दोपहर के 2 बजे रवाना होती है और गोरखपुर जंक्शन सुबह 9:45 पर पहुंचती है। यह ट्रेन 16 स्टॉप के साथ 1120 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड भटिंडा जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन के बीच 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह एक सुपरफास्ट टाइप ट्रेन है, जिसको नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। यह ट्रेन LHB रेक के साथ चलती है, जिसमें जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, 3rd AC, 2nd AC और 1st AC कोच लगे हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रेन भटिंडा जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन के बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकती है और उनका अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या रहता है। भटिंडा से यह ट्रेन रोजाना दोपहर को 2 बजे रवाना होती है और इस ट्रेन का पहला स्टॉप सिरसा रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 3:35 पर पहुंचती है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद 3:40 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन हिसार जंक्शन पर शाम को 4:55 पर पहुंचती है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद 5 बजे रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन भिवानी जंक्शन पर 5:55 पर पहुंचती है। 15 मिनट के स्टॉप के बाद 6:10 पर रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल किया जाता है। उसके बाद यह ट्रेन कलानौर कला रेलवे स्टेशन पर शाम को 6:33 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 6:35 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन रात को रोहतक जंक्शन पर 7:23 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 7:25 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन रात को बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 7:51 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 7:53 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन नंगलोई रेलवे स्टेशन पर रात को 8:04 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 8:06 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन सकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रात को 8:13 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 8:15 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात को 9 बजे पहुंचती है। 25 मिनट के स्टॉप के बाद 9:25 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रात को 2:55 पर पहुंचती है। 10 मिनट के स्टॉप के बाद 3:05 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन उन्नाव जंक्शन पर 3:36 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 3:38 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सुबह 4:50 पर पहुंचती है। 10 मिनट के स्टॉप के बाद 5 बजे रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन बाराबंकी जंक्शन पर 5:48 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 5:50 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन गोंडा जंक्शन पर सुबह 7 बजे पहुंचती है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद 7:05 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन बस्ती रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:10 पर पहुंचती है। 3 मिनट के स्टॉप के बाद 8:13 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:35 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 8:37 पर रवाना होती है। उसके बाद यह ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह 9:45 पर पहुंचती है। अगर आप लोगों को भटिंडा जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन के बीच चलने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी एक नई ट्रेन जानकारी में, तब तक के लिए बाय।